थर्ड पैन है इस कोलोराडो संकन पैन, और इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो पानी के अंदर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, और बाकी का पोर्शन जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है. दिस इज 16 इंचेस, दिस इज 2 इंच, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज 36 इंचेस इज द विड्थ एंड 36 इंचेस इज द लेंथ. इसका जो पैन कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू 0.78. एक लास्ट पैन होता है अपने पास जिसे हम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पैन कहते हैं. इसका जो सीपी होता है दैट इज इक्वल टू 0.8. सो यू मस्ट रिमेंबर द सीपी वैल्यूज फॉर एवरी पैन, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. द सेकेंड मेथड दैट इज यूज टू मेजर द एवेपोरेशन इज एम्पेरिकल मेथड. अब जो एम्पेरिकल मेथड होता है, व्हाट आर द एम्पेरिकल मेथड्स, वी यूज सम फिक्स्ड फॉर्मूलास दैट हैव नो डेरिवेशन. इस एम्पेरिकल फॉर्मूलास को हम यूज करते हैं. द फर्स्ट मेथड इज डेल्टन्स मेथड. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डेल्टन्स लॉ जो हमने पढ़ा था उससे ही डेल्टन्स मेथड निकल कर आया है. द इवेपोरेशन इज इक्वल टू, सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ई एल इज प्रोपोर्शनल टू ई डब्ल्यू माइनस ई ए. When you replace this proportionality sign, then you obtain a constant of proportionality and it is equal to EW minus EA times C. So this is the formula. Now this EW and EA, I have already mentioned what is EW. EW is the saturation vapor pressure of air and EA is the actual vapor pressure of air. Now this EW and EA will be in millimeter of Hg. C will be a constant, and when you will place all the values, then we'll obtain the EL as millimeter per day. So in this, यही होती है empirical formulas की specialization, कि आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, किस unit का क्या dimension, किस term का क्या dimension है. वो depend नहीं करता है उसका कोई dimensional analysis से, आप इसकी dimensions नहीं निकाल पाएंगे. ये मिलीमीटर ऑफ एच जी में है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो आप जो ई एल निकल के आएगा दैट विल बी इन मिलीमीटर्स पर डे. नाउ द सेकेंड मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड और द ओनली पॉसिबिलिटी फ्रॉम वेयर द न्यूमेरिकल्स विल बी फ्रेम्ड इन द कमिंग गेट एग्जामिनेशंस, एंड दैट इज द मेयर्स मेथड. मेयर्स मेथड, व्हाट इज मेयर्स मेथड? इसमें इवेपोरेशन का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ई एल विल बी इक्वल टू के एम एफ यू टाइम्स ई डब्ल्यू माइनस ई ए. इंस्टेड ऑफ सी इट हैज सी इक्वल टू के एम टाइम्स एफ यू. बाकी सब कुछ सेम है. ई डब्ल्यू एंड ई ए आर सेम टर्म्स दैट वर यूज इन डेल्टन्स मेथड. वॉट इज एफ यू? एफ यू इज 1 प्लस यू 9 डिवाइडेड बाय 16. वॉट इज यू 9? यू 9 इज द विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर्स अबव ग्राउंड इन किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज केएम? केएम इज द मेयर्स कोएफिशिएंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ. इफ द लेक इज अ डीप लेक देन द केएम इज 0.36, एंड इफ द लेक इज अ शेलो लेक देन केएम इज 0.50. यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ केएम फॉर डीप एंड शेलो लेक्स since it may or may not be given in the question, so you must remember this. Now there is again a formula for calculating U9. It is UH equals to CM H to the power 1/7. So अगर उसने U9 आपको ना दिया हो, उसने आपको U10 दे दिया हो, और आपने H तो पता ही है, U10 है तो H is 10, तो आप पहले CM निकाल सकते हैं, और CM निकालने के बाद आप H को 9 रखकर U9 निकाल सकते हैं. So this formula will be used to calculate the value of U9. So you must remember both these, all the three formulas for calculating the evaporation from Mayer's method.